जय श्री राम। कैसे हो आप सब? आप सब बढ़िया होंगे। सो फ्रेंड्स, आज है 24 जनवरी 2024 और पूरे वर्ल्ड के लिए बहुत स्पेशल होने वाला है आज का दिन, बिकॉज आज रामलला की मूर्ति की स्थापना होने वाली है राम मंदिर अयोध्या में। मैं भी जल्दी से नहा के रेडी हो चुकी हूँ जल्दी से, और अभी हम करने वाले हैं पूजा, तो चलते हैं अभी गाइस। सो फ्रेंड्स, इसमें है गंगा जल, इसको निकालते हैं इसमें और फिर इससे करेंगे हम। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम निलाएंगे लड्डू गोपाल जी को, तो अभी निलाते हैं इन्हें। सो फ्रेंड्स, फाइनली अभी पूजा कर ली हमने और लड्डू गोपाल जी को भोग लगा दिया है। सो फ्रेंड्स, मेरे पास आपके लिए एक सरप्राइज भी है जो अभी मैं दिखाने वाली हूँ आपको। ये देखिए गाइस, मैंने बनाई थी ये पेंटिंग श्री राम मंदिर की। फ्रेंड्स, आपने पहले देख लिया होगा इसे शॉर्ट वीडियो, मैंने इसकी पहले ही यूट्यूब पर डाल दी थी। तो कैसी लगी आपको ये पेंटिंग कमेंट्स में ज़रूर बताइए। सो फ्रेंड्स, अभी मम्मी और मैं तो जा रहे हैं मंदिर, मंदिर से आने के बाद मिलते हैं आपसे। तो गाइस बाय। सो फ्रेंड्स, हम भी राम जी और सीता माता जी की पूजा करने वाले हैं, तो उसके लिए हमने यहाँ पे जो मैंने राम मंदिर बनाया था उसको भी यहाँ पे लगा दिया है और हम साथ में इनकी पूजा करेंगे। सब रेडी हो चुका है और 12:30 बजे करनी है पूजा गाइस। फ्रेंड्स, टीवी में अभी तक भी राम मंदिर को ही बताए जा रहे हैं, राम मंदिर ही बताएंगे आज सो टीवी में। और आज शाम को हम जलाएंगे दिए, तो उसके लिए मैं बना रही हूँ अभी बत्ती, कुछ मैंने इतनी सारी बना ली है और अभी और भी बना रही हूँ मैं। सो फ्रेंड्स, अभी बज चुके हैं शाम के 6 और अभी हम जा रहे हैं मंदिर में दिए जलाने के लिए, फिर घर पे आके घर पे भी दिए लगाने हैं। तो अभी हमें जल्दी जल्दी जाना पड़ेगा क्योंकि अभी बहुत जल्दी अंधेरा होने वाला है, फिर मुझे आके यहाँ पे भी दिए लगाने हैं और रंगोली भी बनाऊंगी मैं आज। और यहाँ पे मम्मी ने घी के दिए रेडी कर रखे हैं, इनको भी हमें लगाना है और हम मंदिर में भी घी के दिए ही जला के आएंगे। तो गाइस, अभी चलते हैं जल्दी से वरना लेट हो जाएंगे फिर, दिवाली की तरह, हर बार की तरह दिवाली पे हम हमेशा लेट हो जाते हैं, मंदिर जाते हैं। तो इस बार हम जल्दी आने की कोशिश करेंगे, तो चलते हैं गाइस अभी। प्रिया और मम्मी मंदिर से आ चुके हैं, वो हनुमान जी का मंदिर गए थे दीपक जलाने के लिए, तो अभी वहाँ से आ चुके हैं। इस हमने छत पे भी दीपक लगाए थे, तो हमारा घर आज कुछ ऐसा लग रहा है। हमने पीछे की साइड में भी दीपक लगा रखे, लेकिन वो इधर की साइड से नहीं दिख रहे। और उधर आपको दिख रहा होगा, फोन में सही से नहीं दिख रहा, तो उधर सामने वाला घर उनमें भी सबने दीपक लगा रखा है, लेकिन हमारी साइड पे कुछ ही घर उनमें दीपक लग रहा है क्योंकि यहाँ पे अभी कुछ लोग बाहर गए हमारे पड़ोसी, तो हमने तो कुछ इतने दिए लगा दिए और सामने वाले साइड पे भी दीपक लगा रखे हैं। तो गाइस, अभी मम्मी बना रही है खाना और मम्मी यहाँ पे पकौड़ी का ये पेस्ट रेडी कर दिया और इधर मैं बनाने वाली हूँ चटनी, तो इसके लिए मैंने ये मिर्ची और धनिया काट लिया और ये मीठे पुए के लिए मम्मी ने पहले से घोल रेडी कर रखा है, तो अभी हम बनाएंगे खाना। सो गाइस, हमारे पास फटाके तो नहीं है, तो मैं पेपर से फटाका बना रहा हूँ। गाइस, अभी हमारा फटाका बन के रेडी हो चुका है, तो अभी हम इसको फोड़ते हैं। सो गाइस, इसकी कुछ ज़्यादा आवाज़ नहीं आती है, ये बस फन के लिए है। सो गाइस, अभी मैं जैसे ही बाहर आया तो यहाँ पे मुझे रितिका और मिले और इनके पास कुछ फटाके थे, तो ये लेके आ चुके, तो अभी हम फटाके चलाएंगे इनके साथ, तो शुरू हो जाते हैं अभी हम। ज़्यादा 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 ज़्यादा
दिखाई है क्योंकि प्रोग्राम हमारे पास थोड़ा सा ही था, हमने ज़्यादा नहीं निकाला ताकि क्योंकि फिर अगर ये जला नहीं जला तो फिर फालतू में मेहनत वेस्ट जाती है, सोचा हमने छोटा सा लिखाई है। तो गाइस ये गंगा जमुना फोड़ के गंगा जमुना जल चुका है, तो ये पहले अनार की तरह जलता है और फिर फूटता है। सो फ्रेंड्स अभी खाना रेडी हो गया है और अभी हमने भोग भी लगा दिया है भगवान जी को। सो फ्रेंड्स अभी बज चुके हैं 9 और अभिषेक तो अभी तक भी टीवी देख रहा है और मैंने मस्त अपने बालों में तेल से मालिश कर ली है क्योंकि मुझे बिना तेल लगाए बिल्कुल रहना नहीं आता है, सुबह बाल धोते हैं तो अभी मैंने अच्छे से तेल लगा के मालिश कर ली है बालों में। और अभी मैं करने वाली हूँ दूध गर्म हल्दी वाला अभिषेक के लिए और मेरे लिए, हम रोज हल्दी वाला दूध पीते ही होते हैं तो अभी दूध गर्म करते हैं। सो फ्रेंड्स अभी दूध बनकर रेडी है तो पीते हैं दूध और मम्मी पता नहीं क्या कर रही है, मम्मी व्हाट्सअप चला रही है हमारी, देखिए गाइस कीर्तन करते करते हमारी मम्मी व्हाट्सअप चला रही है। सो फ्रेंड्स 10 बज चुके हैं और आज हम अभी तक भी नहीं सोए हैं तो मम्मी से पूछते हैं कैसा रहा आज का दिन, मम्मी कैसा रहा आज का दिन आपका? बहुत अच्छा। कैसा लगा आपको आज? बहुत अच्छा लगा, हमारे घर श्री राम भगवान आए, हमने पूजा की, उनके दर्शन किए, उनकी याचना की, हमारे पास बहुत अच्छा लगा, इतने सालों का इंतजार खत्म हुआ और राम मंदिर अब जाके बनाए और हम सबने बहुत अच्छे से उनका बहुत अच्छे से हमने स्वागत किया, उनके दर्शन किए, उनकी रैलियां निकाली गई, जगह जगह पर भंडारे किए गए, बहुत अच्छे से राम भगवान का स्वागत किया। सो फ्रेंड्स आज का दिन तो बहुत ही अच्छा रहा सबका और बहुत अच्छा लग रहा हमें, हमने दीप जला के दिवाली मनाई, हमने खूब सारी लाइट्स भी लगाई और हमने पूजा भी की, रंगोली भी बनाई हमने, तो बहुत अच्छा लगा। बस गाइस स्पीकर की कमी रह गई है क्योंकि स्पीकर हमारे मामा श्री लेके गए हैं, वो जहाँ पे काम करते हैं वहाँ उन्हें बहुत बोरियत लगता है, बहुत बोरिंग सा लगता है, तो वो स्पीकर लेके गए थे और अभी वो फरवरी में हमारी फैमिली में किसी की शादी है तो वो शादी में आएंगे तब लेके आएंगे, तो अभी तो हमें स्पीकर के बिना आज का दिन बहुत ही अजीब सा लगा, पर टीवी में हमने श्री राम प्राण प्रतिष्ठा जो हुई थी वो पूरी हमने देखी थी। सो गाइस फिलहाल इस ब्लॉग का यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय गाइस एंड जय श्री राम एंड गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।